हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस से बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अफवाह पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर बहुत सारे फेक ऑडियो वीडियोस मैसेजेस फैल रहे हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अफवाहों से ज्यादा अवेयरनेस पर ध्यान दें। लोगों को बताएं कि आप कैसे कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें। करना आपको ये है कि आप जिन भी व्यक्ति से मिले आप हाथ न मिलाएं, न ही गले मिले। 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। हाथ जोड़कर आप नमस्कार कर सकते हैं। शुरुआत में यह वायरस नॉर्मल जुकाम खांसी की तरह होता है। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से यह वायरस धीरे धीरे काफी लोगों में फैल जाता है, तो अपना ध्यान रखें। अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो किसी भी जगह पर ऐसे टच न करें, क्योंकि वहां पर कम से कम 12 घंटे तक वायरस सतह पर रहता है। सबसे जरूरी बात, अपने आप को आइसोलेशन में रखें। वो गलती न करें जो इटली और जर्मनी अमेरिका के लोगों ने की। सावधानी बरतें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप इम्यूनिटी बढ़ाएं, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम का भी यूज कर सकते हैं। इसे आप 3 दिन लगातार सुबह खाली पेट लें। खुद आयुष मंत्रालय ने इसे लेने की सलाह दी है। घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे गर्म पानी पिए, इससे आपका वायरस खत्म होगा। आप 1 गिलास दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा। तुलसी खा सकते हैं, आप गिलोय का यूज कर सकते हैं। नॉन वेज फूड अवॉइड करें और बाहर का खाना भी बंद कर दें। विटामिन सी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, इससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है। बार बार हाथों को सैनिटाइजर से धोएं। अगर आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी आ रही है, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं अगर आपको डाउट है कि आपको कोरोना है या नहीं है। सरकार के नियमों का पालन करें। जो भी सरकार बोल रही है, जो भी कह रही है, वो हमारे लिए कह रही है, जनता के लिए कह रही है, जिससे वायरस ज्यादा न फैले, जैसा कि इटली में 3rd स्टेज तक हो चुका है। अगर आपको कोई भी संदिग्ध मिलता है तो आप उसकी तुरंत जांच कराएं। यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएं ताकि अवेयरनेस फैले, न कि अफवाह। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है।